हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 2, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एज यू नो इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर। नंबर्स दैट वी एड टुगेदर आर कॉल्ड एडेंड, एंड द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड द सम। Is called the sum. In subtraction, the number from which we subtract is called the minuend. The number that is subtracted from the minuend is called the subtrahend. The result of subtraction is called the difference. Let's have a look at some of the properties of both addition and subtraction. Properties of addition and properties of subtraction. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आप क्या करेंगे, टू और मोर नंबर कैन बी एडेड इट ओनली ऑर्डर इन एनी ऑर्डर देयर सम ऑलवेज रिमेन द सेम। टू और मोर नंबर्स, टू या मोर नंबर्स आप ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में, इसको लिखेंगे आगे पीछे, कोई भी डिजिट पहले लिख देंगे। एडिशन में ऐसा होता है तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे ये डिजिट पहले लिख दें चाहे ये डिजिट। लेकिन आपके सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, ओनली द स्मॉलर नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगर नंबर। स्मॉलर नंबर को हमेशा नीचे लिखना होगा और बिगर नंबर को ऊपर लिखना होगा। सब्ट्रैक्शन में आप ये नहीं करेंगे कि जो बड़ा नंबर है वो आपने नीचे लिख दिया और स्मॉलर नंबर आपने ऊपर लिख दिया और आपने माइनस कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये तरीका गलत है। दिस वे आपको ऐसे करना होगा, बिगर नंबर ऊपर और स्मॉलर नंबर नीचे। सम ऑफ टू और मोर काउंटिंग नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ एडेंड। सम ऑफ टू और मोर काउंटिंग नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द एडेंड। टू और मोर नंबर्स, अगर आप इन थ्री नंबर्स को ऐड करेंगे तो जितने नंबर आप ऐड करेंगे वो ही सबसे बड़ा आपका नंबर कहलाएगा। ये नहीं कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे या इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन आपने तीनों ऐड किया तो आपका ये नंबर सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। देखिए यही ग्रेटर देन होगा हर में, और इसमें माइनस में सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस ऑफ टू काउंटिंग नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन द मिनुएंड। डिफरेंस ऑफ टू काउंटिंग नंबर्स, जिस आपने दोनों का डिफरेंस जब आपने निकाला माइनस किया, ऑलवेज लेस देन द मिनुएंड, आपका हमेशा वो मिनुएंड से कम होगा। एड ज़ीरो इज़ एडेड टू अ नंबर, अगर आप किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर में आपकी कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, आंसर आपका वही रहेगा। और माइनस में भी ऐसे ही होता है, सब्ट्रैक्शन जब आप करते हैं और ज़ीरो से करते हैं तो कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता, आंसर आपका वही रहता। वन अगर आप ऐड करते हैं किसी भी एक नंबर में आपको, तो वो आपका सक्सेसर हो जाता है। और अगर वन माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो प्रीडिसेसर हो जाएगा आपका। वन माइनस करने से प्रीडिसेसर हो जाता है और वन प्लस ऐड करने से आपका वो सक्सेसर हो जाता है। तो ये आपके प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, इनको आपको अच्छे से रीड करना है। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन कॉलम्स एंड ऐड। इनको कॉलम्स में लिखना है आपको और ऐड करना है। तो आप इसके ये क्वेश्चंस दिए हैं तो आप इतने सारे क्वेश्चन नहीं करिए, इसमें हम जो इसमें टिक कर दे रहे हैं वो क्वेश्चन आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लेंगे। ये 6 क्वेश्चन है, आप 6 क्वेश्चन इनको आपको अपने नोट मैथ के रजिस्टर में नोट डाउन करना है। इनको पहले क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, देन आपको उसको नीचे कॉलम में उनको ऐड करना है। आप फर्स्ट डिजिट नोट डाउन करेंगे, देन आप सेकंड डिजिट नोट डाउन करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही कॉलम में इनको लिखना है, कॉलम में, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कॉलम में आप इसको ऐड करेंगे, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, देन आप सॉल्यूशन में कॉलम में इसको नोट डाउन करेंगे और इसको लिखेंगे। और इसमें जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आप इनको ऐड कर दीजिएगा। 6 क्वेश्चन। Thanks for watching.